अग्निवीर पे चर्चा किए हम लोग कि और बेहतर हो सकता है ना, क्योंकि दो तरह का फौज नहीं होना चाहिए, इस पे भी हम चर्चा किए। और मैं जो सरकार है उनसे भी उम्मीद है कि वो शायद राहुल गांधी जी का स्पीच सुने और उस पर फॉलो करें, उस पर विचार करें। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगी कि फौज को दो तरह का ना बांटे, इस पे भी चर्चा हुई। राहुल गांधी जी से आप खुद मिलने आई थी और उन्होंने आपको बुलाया? दो दिन से बुला रहे थे, क्योंकि वहाँ जब राष्ट्रपति भवन में मिले थे तो वो मुझे इमोशनल देख के उन्होंने बोला कि आप नंबर अपना दे दो, फिर हम मिलेंगे। तो उसी दिन से वो बुला रहे थे। कैसी मुलाकात रही है? बहुत अच्छी, पॉजिटिव ही आई है। देश के लिए आपने अपने बेटे को खोया है, खोया है। क्या कुछ कहेंगी? और शायद वो बेटा ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं अभी तक तो बहुत निगेटिव आ रहा था दिल में, पर अभी मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, क्योंकि आसान नहीं होता एक माँ के लिए बेटा खोना। मैं बहुत एक साल से बहुत दर्द में हूँ, पर उस दर्द को भी मैं दबा के मुझे बहुत अच्छा लगा राहुल जी से मिलके। अग्निवीर का क्यों मतलब आप लोग बना कर रहे हैं? वो चार साल अच्छा नहीं लग रहा है, और बाकी जो बच्चा चार साल के बाद जाएगा तो वो क्या करेगा, क्योंकि वो मेंटली और फिजिकली दोनों लॉस हो गया रहता है। क्योंकि जो फौजी की बीबी है वो फौजियों को देखती है, बहुत बहुत स्ट्रांग बनना पड़ता है फौजी बनने के लिए, और वो चार साल में सब खत्म हो जाएगा, उनका जो पढ़ाई लिखाई सब ब्रेक हो जाएगा चार साल, तो उससे वो कमजोर हो जाएंगे, फिर आके कोई तैयारी नहीं कर पाएंगे। मंजू सिंह। राहुल जी ने बुलाया था मिलने के लिए, चूंकि हम लखनऊ हैं तो राहुल जी लखनऊ आने वाले थे शायद, तो यहाँ उनकी फ्लाइट आ गई तो उन्होंने यहाँ बुलाया था मिलने के लिए, जस्ट एक शहादत को सम्मान देने के लिए। और उन्होंने एक अपोजिशन के लीडर की हैसियत से या एक अच्छे इंसान और मानव के नाते, समाज के एक अच्छे कर्णधार के नाते, उन्होंने वो चीज़ें पूछी कि एक्चुअल इंसिडेंट क्या हुआ था, जो कि पब्लिक डोमेन में भी है, फिर भी उन्होंने हमसे पूछा और हमारे परिवार के बारे में पूछा जाना, और हमें पूरी हिम्मत बधाई और ये कहा कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है, जो आपके बेटे ने शहादत दी है, ये सेना और ये देश आपका ऋणी रहेगा और हम सब आपके साथ खड़े हैं। घटना के विषय में क्या, कैसे घटना घटी, क्या जानकारी हो पाई? चूँकि मैं वहाँ पर तो था नहीं, लेकिन रात को 9:45 रात से और लगभग 9:45 रात तक मेरा बेटा मेरे टच में था। किसी दो अधिकारियों का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कराने के लिए बोला, वो नेवी के अफसर थे, वो कहीं सीलिंग पे जा रहे थे कि आज ही डैडी इसको इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना है। तो लास्ट जो मैंने सबमिट किया था वो 23:38 पे किया था। उसके बाद उसकी मम्मी से थोड़ी बात हुई, हम लैपटॉप पे कर रहे थे और वो उस पर था, तो 12 बजे जब वो सोया तो सुबह हमें ये सूचना दी गई 7 बजे कि वहाँ फायर इंसिडेंट हुआ है और अंशुमन हेप्टर से लाए जा रहे हैं चंडीगढ़ में। फिर वहाँ चूँकि मोबाइल वोबाइल काम करता नहीं है, इसलिए मैंने पता लगाने की कोशिश की, तो 11 बजे मुझे ऑफिशियल बताया गया कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। मैंने पूछा तो मुझे बताया गया कि वहाँ फायर हैजार्ड हुआ और वो प्रोबेबली शॉर्ट सर्किट था, तो वहाँ जनरेटर तो उसमें चल नहीं रहा था, लेकिन वहाँ BSNL का ये चलाने के लिए जो बैटरियाँ रखी हुई थी, मे बी उससे शायद शॉर्ट सर्किट हुआ। और उसके बाद जो लगे हुए बंकर्स थे, तो 4 बंकर्स थे, तो जब फायर उसमें स्प्रेड हुआ तो मेरा बेटा शोर सुन के बाहर आ गया था, मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हुआ था, उसके खून में था शायद ये करना बींग ए डॉक्टर, तो उसने जंप करके अपने बगल वाले एडजेसेंट बंकर में गया और वहाँ 5 लोगों को उसने बाहर निकाल लिया। उस प्रक्रिया में वो लोग झुलस भी गए थे, मेरा बेटा भी हल्का सा झुलसा था। जब इसने बगल में देखा कि फायर हमारे बंकर तक जा रही है जिसमें कि क्रिटिकल दवाइयाँ और इक्विपमेंट रखे थे, तो वो उसमें आप कूदना कहें या जाना कहें, वो उसमें एटमंस गया, और लेकिन वो धुआं इतना था और फायर को फैलने में 2 से 3 मिनट लगता है, 17,000 फीट की ऊंचाई थी, हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं, सेंट्रल ग्लेशियर में चंदन पोस्ट पे था, तो बाहर नहीं निकल पाया।